फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉश सीरीज 4 फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि मैंने अमेजॉन से परचेस किया है। उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके फंक्शंस, फीचर्स क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बॉश इंडिया का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉशिंग मशीन है मेरे हिसाब से, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी वो क्यों है बेस्ट। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदें या टॉप लोड, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आई थिंक आपका ये कंफ्यूजन भी इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और अगर आप लोग ये वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहें तो लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, अब हम कर रहे हैं इस पैकेज का अनबॉक्सिंग। ये कार्टून से अच्छे से प्रॉपरली थर्माकोल के साथ पैक्ड है चारों तरफ से, और एक ये इसमें पॉलीथीन से भी कवर है ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह इसमें ना लगें। और ये है इसका फाइनल लुक। मैंने इसको वाइट कलर में परचेस किया है, मुझे पर्सनली वाइट कलर काफ़ी पसंद है। और ऊपर पे इस पे दिया गया है एक ये लेबल, मैनुअल गाइड इसका। और ये है इसका टब, स्टेनलेस स्टील मटीरियल का। और इसमें मिल जाता है आपको कुछ पार्ट्स इसके, जो कि हम अभी देखेंगे इसमें क्या क्या आया है। तो आई थिंक इसमें ये मिला है हमको इनलेट पाइप, एक कुछ क्लिप्स हमें मिले हैं इसमें, और एक ये इसमें इसका फ़िल्टर हमें मिला है जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम में इसमें फ़िट होगा। और ये मैनुअल गाइड इसके साथ एक, जिसमें सारे फीचर्स इसके दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मार्केट में और भी बहुत से ब्रांड हैं, IFB, LG, Whirlpool, हेयर, तो उनमें से बॉश ही क्यों? क्योंकि इन सब के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो बॉश ही है इन सब का। इट मीन्स इनके जो मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बॉश ही करता है, तो व्हाई नॉट बॉश। नेक्स्ट मैं बात करूँगी टॉप लोड और फ्रंट लोड में हमें जो कन्फ्यूजन होता है उसमें, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉश, लाइफ टाइम, कॉस्ट एंड क्लोथ का डैमेज के मामले में एडवांटेज फ्रंट लोड को जाता है। फ्रंट लोड में क्लोथ का डैमेज कम होता है और क्वालिटी वॉश का बहुत बेस्ट होता है टॉप लोड के अकॉर्डिंगली। कॉस्ट, टॉप लोड में आपका क्लोथ्स जो है कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं जो कि आपस में उलझ भी जाते हैं, और इसमें आपको मिलता है एंटी टैंगल टेक्नोलॉजी। टंबल वॉश इसमें मिलता है। टंबल वॉश मतलब कि आपके जो क्लोथ्स हैं एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। इससे क्या होता है, कपड़े आपस में उलझते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि टॉप लोड मशीन जो यूज करते हैं उसमें कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं और आपस में बहुत उलझ जाते हैं कपड़े। नेक्स्ट, टॉप लोड में ऐसे कपड़े उलझने की वजह से उसके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, कपड़े की क्वालिटी काफी लो हो जाती है, जबकि फ्रंट लोड में ऐसा नहीं होता है, कपड़े एक दूसरे में नहीं उलझते, हो जाएगा बहुत ही शानदार इसमें कपड़े धुलते हैं। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है इसमें पानी बहुत कम यूज होता है। ऑफन कॉस्ट आपका इसका एक बार थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 4-5 हज़ार आपको टॉप लोड से ज्यादा इसमें पैसे देने पड़े, बट आप लाइफ टाइम इस कॉस्ट को रिकवर कर लोगे अगर आप इसको यूज करोगे तो, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है, बिजली का कॉस्ट आपका कम आएगा और आपके कपड़े का डैमेज कम होगा, कपड़े की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसको यूज़ करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि आप जब इसको यूज़ करें, देखिए इसका ये ड्रम, तो इसको आप इस लेवल तक ही फिल करें क्लोथ्स को, ज़्यादा इसको ऊपर तक फिल ना करें क्योंकि फिर एक रूम नहीं रहता, कपड़ों को घूमने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, आप इसको बंद करें और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इस ये डोर ऑटो लॉक हो जाता है। आप इसको ज़बरदस्ती ना खोलें जब तक ये अनलॉक ना हो। आपको एक कट जैसे आवाज़ सुनाई देगी इसमें। अगर देखिए आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए ये वाली आपको इसमें आवाज़ सुनाई दी होगी। जब तक आपको ये आवाज़ ना सुनाई दे, अनलॉक ना हो ये, तब तक आप इसको ना खोलें। देखिए अभी मैं इसको खोल रही हूँ तो ये नहीं खुल रहा है क्योंकि ये लॉक है। अब मुझे इसको फिर से ऑन करके इसको दबाना पड़ेगा और ये अनलॉक हुआ, देखिए अभी, तभी मैं इसको खोल सकती हूँ। ये देखिए, आप अननेसेसरी इसमें फोर्स लगाएंगे तो आपका मशीन को डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, आपको वीक में एक बार इसको यहाँ से ओपन करके ये खोलना है और इसका यहाँ से पानी ड्रेन होगा। और अगर आप कभी कपड़े धो रहे हैं यहाँ पर और उसमें कोई कॉइन, कोई पिन या कुछ भी ऐसा आइटम आया है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर पानी फैल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में। तो देखिए ये है हमारी वॉशिंग मशीन और ये है 7 kg एक्सप्रेस वॉश मॉडल है। ये 1000 RPM है, ये यानी कि 1 मिनट में 1000 बार इसका ड्रम रोटेट करता है। इसमें हमको स्टेनलेस स्टील का ये ड्रम मिलता है और यहाँ पर मिलता है हमें सर्फ का सेक्शन, जिसमें कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना सर्फ। अगर आप लिक्विड सोप इसमें यूज़ करें तो आपके मशीन की लाइफ अच्छी रहेगी। मेरे हिसाब से आप लिक्विड सोप ही यूज़ किया करें। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आला, कंफर्ट, इस टाइप के एडेसिव्स जो हमारे कपड़ों को खुशबू देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक्स्ट्रा सर्फ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो अकॉर्डिंगली मशीन अपने आप वो सर्फ लेगी, उसको जितना ज़रूरत है। अब आते हैं ये 4 बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपके घर में बच्चा है तो ये चाइल्ड लॉक का बटन भी दिया गया है। अगर आप इसको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे तो ये ऑटो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ये नॉब। यहाँ पर इसमें एक चीज़ और आपको मिलती है, इसमें ऑटो बेल्ट, इसमें हीटर मिलता है आपको। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आपका ये हीटर कपड़ों को गर्म पानी से धोएगा, इसमें जो दिया गया है टेम्परेचर्स फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। और साथ ही इसमें हीटर में ऑटो कट हीटर में फंक्शन दिया हुआ है। अगर आपने इसको 40 पर सेट किया हुआ है मान लें, और आपके टैंक में पानी जहाँ से इसमें इनलेट सप्लाई है उसमें पानी ज़्यादा गर्म है, 50 डिग्री पर है और आपने इसको 40 पर किया है, तो यानी कि पानी आपका ऑलरेडी गर्म है तो ये ऑटो कट हो जाएगा और आपकी इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेफ होगी। फर्स्ट यहाँ कॉटन के क्लोथ्स हैं, यहाँ पर आप इसको कॉटन के क्लोथ्स आप धोएंगे। अगर आपके वाइट कपड़े हैं ज़्यादा गंदे हैं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं 60 डिग्री इको फंक्शन। इसमें आपका वाटर 60 डिग्री पे गर्म होगा और आपके क्लोथ्स वॉश होंगे। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स वेयर इसमें दिखेगा आपको, स्पोर्ट्स वेयर क्लोथ्स हैं आपके तो आप इस पर इसको यूज़ करें। सिंथेटिक कपड़ा, मिक्स कपड़े जो होते हैं, मिक्स फैब्रिक्स वाले, उसके लिए आप ये सिंथेटिक यूज़ करें। नेक्स्ट आपका मिक्स लोड, ज़्यादातर घरों में मिक्स लोड कपड़ा इस फंक्शन को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि सारे साथ में कॉटन भी है, कुछ और मटेरियल का कपड़ा भी है, तो आप मिक्स लोड पर इसको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रम क्लीन का जो आपको ऑप्शन है, इसमें ये आपको महीने में 1 बार ड्रम क्लीन ज़रूर करना चाहिए। ड्रम क्लीनर सैशे आपको मिलते हैं, वो आप यहाँ पर इस बॉक्स में डाल करके इसको ड्रम क्लीन के फंक्शन पे आकर के स्टार्ट कर दें तो आपकी मशीन की लाइफ अच्छी रहती है। नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें स्पिन एंड ड्रेन। अगर आपने कभी हाथ से कपड़े धोए हैं और आपको इसको सुखाना है तो आप इसमें स्पिन एंड ड्रेन में सुखा सकते हैं, यहाँ पर डाल करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 70% 70 to 80% आपके कपड़े सूखे हुए मिलते हैं। यहाँ पर है रिंस का ऑप्शन, जो कि केवल आपको अगर रिंस करना है, कपड़ों को पानी में खंगालना है तो आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स के लिए आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट डेलिकेट सिल्क की साड़ीज़ वगैरह हैं, सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क के सूट्स हैं तो आप इसको यूज़ करें। किड्स वेयर है तो आप इसको यूज़ करें। लिंगरीज अंडरगारमेंट्स के लिए आप इस फंक्शन को यूज़ करें। फ्रेशन अप फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा पार्टी में पहना है, कुछ पार्टी वेयर कपड़े हमारे जो हम थोड़ी देर पहनते हैं और हमें लगता है कि यार अब इसको रखना भी नहीं है, इसी तरीके से थोड़ा सा इसको फ्रेशन अप फंक्शन पे हम इसको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट मिल जाता है आपको क्विक वॉश, 15 to 30 मिनट्स में आपके कपड़े इसमें वॉश हो जाते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक्स्ट्रा रिंस का फंक्शन। एक्स्ट्रा रिंस अगर आपको किसी फंक्शन पर आपने लगाया और आपको उसको और ज़्यादा पानी में 1 और बार रिंस करना है तो आप इस फंक्शन को ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है स्पीड परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अभी लोड हम इसमें रखते हैं तो वो लोड इसमें सेंस करता है। अगर आपका लोड है यहाँ पर अभी 2 kg, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, वरना यहाँ पर आपको शो कर देता है 3.5 kg मोस्टली इसमें शो करता है अगर आपने इसको हाफ फिल किया हुआ है ड्रम को। तो आप ये स्पीड परफेक्ट ऐसे ही रहेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा इसका यहाँ पर शो कर रहा है, 7 kg शो कर रहा है, 6 kg, तो आप इसको प्रेस कर दें, देन आप स्टार्ट करें फंक्शन को। तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेके स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज करके कपड़ों को वॉश करेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाता है टाइमर, जो कि आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर कितने देर बाद आप इसको कपड़ों को आप रेडी धो धा के आपको रेडी मिले वो आपको मिलता है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने 4 आवर लगाया, मान लिया अभी 12 बजे हैं, 4 आवर आपने लगाया तो 4 बजे तक आपके कपड़े धो के बिल्कुल रेडी मिलेंगे। तो आपकी मशीन 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अगर इसमें 1 घंटे का टाइम ले रहा है ये तो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 4 बजे तक आपको आपके कपड़े रेडी मिलेंगे। नेक्स्ट है ये स्पिन, अगर आपको सिर्फ स्पिन करना है तो स्पिन बटन दबाइए, स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये इसको यूज़ करना। और तो आई होप आपके सारे डाउट्स इसके फंक्शंस आपको क्लियर हो गए हों, कैसे इसको यूज़ करना है और क्यों आप बॉश पर ही जाएं ये भी आपको क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर हिट करना, क्योंकि उसी से मुझे पता चल पाएगा आपको वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।